नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो में हम जानेंगे गूगल पे में बिना एटीएम कार्ड के बैंक अकाउंट लिंक कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे छोटा सा लाइक। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च बार पे सर्च कर लेना है गूगल पे। तो दोस्तों, अब आपके सामने गूगल पे आ जाएगा और ये आप देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन आ चुका है गूगल पे में। अगर आपको गूगल पे लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर पाओगे। तो इसके बाद मैं कर लेता हूं ओपन और अब आपके सामने गूगल पे का होम पेज ओपन हो जाएगा और आपको सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे अपनी पिक पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सेंड मनी बैंक अकाउंट, तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च बैंक पे आपको क्लिक कर देना है और जो भी आपका बैंक गूगल पे नंबर से लिंक है उसको आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ यूनियन, UNION यूनियन लिखा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है, इस पे कर देता हूँ क्लिक। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आप सभी हमारा बैंक आ चुका है और यहाँ पे हमें मैसेज भी आ गया बैंक की तरफ से और इसके बाद कर लेना है कंटिन्यू। तो अब आप देख सकते हैं ऐड बैंक अकाउंट, जो कि हमारा पूरी तरह से सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। और मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं आप सभी पेमेंट मेथड में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा ऐड हो चुका है। तो ऐसे आप भी अपने गूगल पे में बिना एटीएम कार्ड ऐड किए बैंक को लिंक कर सकते हैं, तो ऐसे आप इसे यूज कर सकते हो। और अगर आपको मेरी जानकारी ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम।